देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के मामलों में बेतहाशा वृद्धि हो चुकी। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना मरीजों की संख्या में 56% वृद्धि के साथ 58,057 नए मामले सामने आ चुके। इस दौरान जहां 534 लोगों की मौत भी हो चुकी, वहीं 15,389 लोग स्वस्थ भी हुए। दैनिक संक्रमण दर 4.18% हो चुका है। सक्रिय मामलों ने और भी अधिक चिंता बढ़ा दी। दरअसल देश में अब 2,14,000 से अधिक सक्रिय मरीज हो चुके। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 147 करोड़ के पार कर चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, केरल, गोवा, पंजाब और तेलंगाना में मामलों में तेजी से वृद्धि देखी गई और यही वजह रही है कि कोरोना का आंकड़ा 58,000 को पार कर चुका है। महाराष्ट्र में 18,486 मामले, दिल्ली में 5,481 मामले, बंगाल में 9,063 मामले, कर्नाटक में 2,459 मामले, केरल में 3,640, तमिलनाडु में 2,731, गुजरात में 2,265, राजस्थान में 1,137, तेलंगाना में 1,052, पंजाब में 1,027, बिहार में 893, उड़ीसा में 680, गोवा में 592, आंध्र प्रदेश में 334, हिमाचल प्रदेश में 260 मामले आ चुके हैं। बताते मंगलवार को जारी आंकड़े के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के 37,389 नए मामले सामने आए थे, लेकिन बुधवार के आंकड़े के अनुसार लगभग 58,000 मामले आ चुके हैं, जो कि कल की तुलना में लगभग 56% से अधिक है। पिछले साल 28 जनवरी 2021 को भी मामलों में इसी तरह की तेजी देखी गई थी और ऐसा इसलिए था क्योंकि गणतंत्र दिवस पर परीक्षण में व्यवधान के कारण पिछले दिन की गिनती में तेजी से गिरावट आई थी, लेकिन अभी तो गणतंत्र दिवस दूर है और इस तरह से मामले आना चिंताजनक है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी आंकड़े के अनुसार देश में ओमिक्रॉन के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 2,135 हो चुकी। 653 मामलों के साथ महाराष्ट्र पहले स्थान पर तो 464 मरीजों के साथ दिल्ली दूसरे स्थान पर है। ओमिक्रॉन के 2,135 मरीजों में से 828 मरीज रिकवर भी हो चुके हैं, लेकिन चिंताजनक स्थिति अभी भी बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज़।